नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आपको बता दें कि थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव देवरी में देर रात चोरों ने आपको बता दें कि एक स्वर्णकार की दुकान को निशाना बना लिया। आपको बता दें करवा चौथ और दिवाली की तैयारियों को लेकर सभी दुकानदार अपनी दुकानों में लगे हुए हैं। ऐसे में दीपावली के नज़दीक आते ही लगातार चोर भी सक्रिय हो गए हैं। अभी थाना सदर क्षेत्र के आपको बता दें डिफेंस कॉलोनी में चोरी की घटना को पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई है कि एक बार फिर थाना ताजगंज क्षेत्र के देवरी चौराहे पर स्वर्णकार की बंद दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने पीछे से दीवार काटकर दुकान के अंदर घुस गए और दुकान के अंदर रखे सोने और चांदी के आभूषणों को चोर आसानी के साथ चुरा कर ले गए। बताया गया है सुबह जब स्थानीय दुकानदार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर दीवार काटकर चोरों ने सेंध लगाई है। पता जाता है एमएम गेट के रहने वाले विक्रम वर्मा के द्वारा यहां दुकान चलाई जाती है। भाई कृष्ण वर्मा के पास सुबह स्थानीय लोगों की जब चोरी की जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया है लगभग 2.5 किलो चांदी के आभूषण जैसे बिछुआ, चांदी की मूर्ति के साथ साथ लगभग सोने के आभूषण भी चोरी हो गए हैं और इसके अलावा दुकान के अंदर सारे सामान को चोरों ने दुकान के अंदर रखी तिजोरी को भी काटने का भरसक प्रयास किया है, परंतु तिजोरी चोर नहीं काट सके जिसके चलते चोर अपने मंसूबे में असफल रहे। वहीं लाखों रुपए का सामान चोर चुरा कर ले गए और मौके पर पहुंचे। आपको बता दें दुकान स्वामी ने पुलिस को सूचना दी है और थाना ताजगंज का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है और चोरों की तलाश में जुट गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार दिवाली चोरों की बनेगी या पुलिस चोरों को दीपावली से पहले गिरफ्तार करेगी। आइए जानते हैं दुकान मालिक से क्या कुछ सामान गया है और किस प्रकार का नुकसान हुआ है। क्या है आपका? विक्रम वर्मा। वर्मा जी क्या मामला है जी? मेरे दुकान से साइड से दीवार तोड़ के चोरी करी गई है जिसको मेरे भैया के द्वारा मुझे बताया गया था। की दुकान है आपकी? सराफे की, सराफ सोने चांदी की। क्या क्या ले गए बच्चों? बिछिया और चांदी की पायल थी और थोड़ा बहुत सोने का सामान था। अच्छा, अगर सोने की बात की जाए तो लगभग कितने तोला सोना हुआ? लगभग करीब 2 तोले के पास लॉन्ग वालियाँ थी और थोड़ा सामान कटा हुआ था जो बनाना था मेरे को, उसका वजन लमसम 30 ग्राम के पास होगा। कुल कितना सोने के आभूषण है? कुल कितने सोने के आभूषण है आपके? कुल कितने सोने के आभूषण है आपके? कुल 5 तोले के पास है वो। अच्छा, चांदी की बात की जाए तो? चांदी लगभग 2 से 2.5 किलो के पास होगी। 2.5 किलो? क्या क्या आभूषण होंगे उसमें? बिछिया और पायल। अच्छा, अरे दीवार काटिए तो फिर और कुछ भी ले गए हैं क्या? और तिजोरी से वैसे कुछ नहीं निकाला, बाहर का सामान जो था वो सब ले गए और चांदी की तिजोरी तोड़ने का प्रयास नहीं किया? तिजोरी टूट रही है, साइड से फट रही है थोड़ी, और चांदी की मूर्तियां रखी थी बाहर बोले गए। अच्छा, नगदी भी थी क्या कुछ? नहीं, नगदी नहीं थी। नगदी नहीं थी? नगदी तिजोरी में ही रखी थी। अच्छा, तिजोरी में कुछ रखा था क्या? तिजोरी में सामान रखा है। उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था? जी। टूटी या नहीं टूटी? नहीं, वो तिजोरी नहीं टूटी है, लेकिन साइड से फाड़ने की और आगे से तोड़ने की कोशिश करी है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई? यहाँ से गाँव से फोन आया था भैया के पास, भैया के द्वारा मेरे को बताया गया। तो आपने पुलिस को जानकारी दी या नहीं दी? जी, कॉल करा था। ताजनगरी आगरा पुलिस यहां लगातार बदमाशों के पैर में गोली मारती हुई दिखाई दे रही है और लगातार अपराध पर अंकुश कसने का लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी देखिए चोर और लुटेरे किस प्रकार ताजनगरी आगरा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के आपको बता दें देवरी का है। यहाँ देखिए देवरी में किस प्रकार एक स्वर्णकार यानी कि सुनार की दुकान को, बंद दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं चोरों ने साइड से दीवार को काटकर, देखिए इस दुकान को काटकर चोर अंदर घुसे हैं और अंदर से यहाँ से देखिए ये ज्वेलर्स की दुकान में जो तिजोरी रखी थी इसको भी काटने का भरसक प्रयास किया है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ज्वेलर्स ने बताया है कि उनके तिजोरी के अलावा भी बहुत सामान रखा था जैसे कि लगभग 2.5 किलो चांदी के आभूषण जिसमें आपको बता दें करवा चौथ की तैयारी थी, बिछुए रखे थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है जिसके चलते लक्ष्मी गणेश जी की भी प्रतिमा बताई गई है और साथ ही साथ सोने के भी आभूषण बताए गए हैं जिसमें आपको बता दें सोने के आभूषणों में लगभग 5
तोले सोना बताया गया और इस प्रकार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित को यहां ग्रामीणों द्वारा बताया गया जिसके चलते उन्हें जानकारी हुई और ये थाना एमएम गेट के रहने वाले हैं और विक्रम वर्मा इनका नाम है और जिन्होंने पुलिस को भी जानकारी दी है। साथ ही साथ इनका कहना है कि पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से चोरों को पकड़ा जाए और उनकी चोरी का खुलासा किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि थाना ताजगंज पुलिस इस घटना का खुलासा कितने दिनों में कर पाती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।